Good morning, children. Today we are going to start with a new chapter, that is adaptation in animals. We are going to learn about what are the various adaptations that are found in the animals. Okay, so is chapter mein hum main kya kya cheeze padhne wale. First we are going to have a look on those points. Okay, so first of all, adaptation in animals we are going to learn in this chapter, and then the adaptation on the basis of habitat, theek hai? Then adaptation on the basis of food habits, adaptation on the basis of protection, adaptation in behavior, how do the animals adapt themselves, right, in their make changes in their behavior, and how we should take care of the animals. These all the things we are going to learn in this chapter. Okay, now children, you know that number of animals are found in different regions. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ deserts are there, then forest and grassland areas भी होते हैं, then we are having extremely cold climate, polar regions are there. ठीक है, और इन सभी जगहों पे you can see animals, right? तो इन animals के पास ऐसे क्या स्पेशल फीचर्स हैं, क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं बिकॉज ऑफ विच दे आर एबल टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, राइट? तो ये जो फीचर्स होते हैं ये कहलाते हैं उनके एडेप्टेशन. सो व्हाट इज एडेप्टेशन? बेसिकली द डिफरेंट फीचर्स दैट हेल्प द एनिमल्स टू सर्वाइव एंड ग्रो इन देयर हैबिटेट. They are known as adaptations. ठीक है, समझ आया adaptations क्या होते हैं सबसे पहले? Then एक और word आया यहाँ पे, habitat. अब habitat का मतलब होता है the natural home of an animal. ठीक है, जो home होता है, natural home होता है एक animal का, right? It is known as its habitat. ठीक है, जहाँ पे वो ग्रो करता है, जहाँ पे वो लिव करता है, जहाँ पे वो रिप्रोड्यूस करता है. रिप्रोड्यूस करना मींस यंग वन को बर्थ देता है, अपने बेबी को बर्थ देता है. दैट प्लेस इट इज़ नोन एज इट्स हैबिटेट. वो उस एनिमल का हैबिटेट कहलाता है, राइट? तो समझ आया आपको हैबिटेट क्या होता है सबसे पहली बार. सेकेंड थिंग, वॉट इज एडेप्टेशन? ठीक है, अब एडेप्टेशन बेसिकली आपको ये समझना है कि द चेंजेस, right, the changes or the different features that are present in an animal that help the animal to survive in a particular environment, these features they are known as adaptations. ठीक है, now adaptations in animals we are going to read. Now in this we are going to classify the adaptations, we are going to classify the animals on the basis of their habitat. मीन्स एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं उनके बेसिस पे हम एनिमल्स को डिवाइड कर रहे हैं इनटू फाइव मेन कैटेगरीज, राइट? फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल, सेकंड इज एक्वेटिक, थर्ड इज एम्फीबियन, एरियल एंड आर्बोरियल. क्लियर? अब हम इनके बारे में अलग अलग समझेंगे. ओके, तो यहाँ पे इट इज़ द क्लासिफिकेशन बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, यानी कि एनिमल्स कहाँ रहते हैं उनके बेसिस पे हमने यहाँ पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स चिल्ड्रन यू ऑल नो, राइट? वो हु आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स? द एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड, राइट? द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड दे आर नोन एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. अब यहाँ पे भी द टेरेस्ट्रियल एनिमल कैटेगरी इट हैज़ बीन सब क्लासिफाइड इंटू अगेन फोर्थ कैटेगरीज, राइट? थ्री और फोर कैटेगरीज इट इज़ अगेन डिवाइडेड इंटू. फर्स्ट जो है वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, द एनिमल्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट एंड द ग्रासलैंड्स, राइट? फॉरेस्ट एरियाज में जो एनिमल्स रहते हैं दे आर वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है, अब ये जो एनिमल हैं इनके क्या अडेप्टिव फीचर्स होते हैं, इनके स्पेशल फीचर्स क्या हैं? दीज एनिमल्स दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, राइट? And one more thing, they have a very good sense of smell. उनकी जो smell करने की power होती है वो बहुत strong होती है.
बिकॉज ऑफ विच दे आर एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व. वो अपने आप को बचा भी सकते हैं और अपने प्रे को, अगर अपने शिकार को उनको ढूंढना है, उसमें भी वो उनको हेल्प करती है. क्या हेल्प करती है? देयर गुड सेंस ऑफ स्मेल, राइट. सो विच आर द वाइल्ड एनिमल्स? टाइगर्स, लायन, एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, दीज आर द वाइल्ड एनिमल्स. Now the second category which comes in the terrestrial animals is of domestic land animal. Domestic animal होते हैं जो ज़्यादातर which can be kept as pet, right? Horses, dog, camel, cat, crows, goats. These are all the examples of domestic animals. Now इन animals को use किया जाता है, humans use करते हैं इनको अपने काम के लिए, अपने food के लिए, या उनको pet के form में they keep them. Right, the third category is of desert animals. Now children, you all know that the deserts, they are very 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 hot regions, right? Aur unka jo climate hota hai, raat ke time it goes cold, din mein bahut zyada extreme mein garmi hoti hai aur raat ko thandak ho jati hai. It's cool during the night time. और यहाँ पे डेजर्ट एरियाज़ में क्या होता है, द रेनफॉल इज़ वेरी लेस, बहुत कम रेनफॉल होती है, इट्स वेरी स्कैंटी, क्लियर. सो देर इज़ वेरी लिटिल फूड फॉर द एनिमल्स. कम रेनफॉल हो रही है, इसका मतलब ग्रीनरी कम है. ग्रीनरी कम है मतलब कि एनिमल्स के लिए फूड कम है, वाटर नहीं है, राइट. सो विच ऑल एनिमल्स आर देयर और उनके क्या अडैप्टिव फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो इतने हॉट क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाते हैं? हॉर्न लिजर्ड, डेजर्ट टोड, कैमल, ये कुछ डेजर्ट एनिमल्स हैं. अब इन एनिमल्स की क्या एक फीचर होता है कि इनकी जो स्किन होती है दैट इज़ वेरी वेरी थिक, कि जो स्किन होती है वो बहुत थिक होती है, बिकॉज ऑफ विच दे फील लेस हीट, राइट. एंड देयर बॉडी इट कंप्राइजेज ऑफ वेरी लेस हेयर, वेरी लेस हेयर आर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी, राइट. सो दीज आर द टू अडैप्टिव फीचर्स विच आर मोस्टली फाउंड इन द डेजर्ट एनिमल्स, क्लियर. देन एनिमल्स इन द कोल्ड रीजन्स. अब कोल्ड रीजन्स जैसे कि हमारे पोलर रीजन्स हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है. यहाँ के जो रीजन्स हैं ये एक्सट्रीमली कोल्ड रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरे स्नो से कवर्ड रहते हैं, राइट. नाउ द एनिमल्स विच आर फाउंड ओवर हियर आर पोलर बियर्स, पेंगुइन्स, ठीक है. तो ये कुछ एनिमल्स वहाँ पे मिलते हैं. अब इनके क्या अडैप्टिव फीचर्स होते हैं? इवन दे हैव गॉट वेरी थिक स्किन. उनकी जो उनके बॉडी पे एक फैट का लेयर होता है, फैट का लेयर होता है उनकी मेन स्किन के अंदर, राइट, विच इज़ नोन एज ब्लबर. वॉट इज़ ब्लबर? अ वेरी थिक लेयर ऑफ फैट इज़ देयर, अ लेयर ऑफ फैट इज़ देयर अंडर द मेन स्किन, राइट, विच इज़ नोन एज ब्लबर. और ये और उनका जो बॉडी जो कवर्ड रहती है वो थिक फर, फर होते हैं उनकी बॉडी पे जो उनकी बॉडी को वॉर्म रखते हैं, राइट. सो दिस ब्लबर, दीज एनिमल्स दे इवन यूज दिस ब्लबर एज ए फूड एट टाइम्स व्हेन दे आर नॉट एबल टू फाइंड द फूड, ठीक है. कई बार जब उनको फूड बिल्कुल नहीं मिल पाता तो वो अपनी ही स्किन को एज अ फूड यूज़ करते हैं, क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड. नाउ हियर क्लासिफिकेशन हैज़ बीन शोन, अडेप्टेशन इन कैमल एंड अडेप्टेशन इन पोलर बियर. इन दोनों में क्या क्या अडेप्टिव फीचर्स हैं? कैमल और पोलर बियर बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशंस में दोनों के दोनों एनिमल्स मिलते हैं. कैमल कहाँ मिलता है? डेजर्ट एरियाज में. और पोलर बियर वेयर देर इज एक्सट्रीम कोल्ड, राइट. कैमल के पास बहुत थिक स्किन होती है और उसके बॉडी पे हेयर बहुत कम होते हैं ताकि वो हीट से बच सके डेजर्ट एरिया में रहने की वजह से. जबकि पोलर बियर इट हैज़ थिक फर, एज आई टोल्ड यू, थिक फर होता है उनकी बॉडी पे जो उनको वॉर्म्थ प्रोवाइड करता है, राइट. और वन मोर थिंग इज देयर, दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन एंड विच इज़ नोन एज ब्लबर, राइट. नाउ The camel, it can live without water for many, many days. Say about 10 to 12 days, the camel can live without water. Now, what about the polar bear? The white color of the body, the white color of the polar bear, right, it merges with the white snow. Ye iska ek adaptive feature hota hai.
वो वाइट स्नो के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाता है. क्लियर? देन कैमल इट हैज़ ब्रॉड एंड पैडेड फीट्स टू वॉक ऑन द सैंड ईजिली. कैमल जो है उसके जो फीट होते हैं दे वेरी ब्रॉड और पैडेड होते हैं. मीन्स फोम सा होता है, पैडेड होता है, पैड लाइक फॉर्म होता है उसके अंदर, सॉफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो आराम से रेत में मिट्टी में चल पाता है. एंड इट डज नॉट इवन फील दैट हॉट. राइट? देयर फीट आर वाइड. जबकि पोलर बियर के फीट कैसे होते हैं? देयर फीट दे आर वाइड एंड लार्ज टू स्विम एंड वॉक ऑन द स्नो. नाउ दीज पोलर बियर दे हैव टू वॉक ऑन द स्नो, सो देयर फीट दे आर वाइड एंड लार्ज, जिसकी वजह से वो स्विम भी कर सकते हैं और स्नो पे वॉक भी कर सकते हैं. नाउ द हम्प. You have seen the hump which is present on the camel. Now it stores the fat which is used up when the food is not available. ये hump में camel क्या करता है? Food store करके रखता है अपने difficult times के लिए, कि जब food कभी available नहीं है, खाना कहीं भी नहीं मिल पा रहा है, तो ये यहाँ से अपने food, अपने fat को use करता है food की तरह. Now that polar bear it has got a very strong sense of smell to catch the prey. अपना शिकार ढूंढने के लिए इसकी जो sense of smell है that is very very strong. किसकी? Polar bear की. Okay children? So this was the basic difference in the adaptations in camel and the adaptations which are found in the polar bear. Now we are going to move ahead with the aquatic animals. Aquatic animals पता है आपको? Aquatic animals means animals which live in water, right? तो जब हम animals की बात करते हैं which live in water, the first name that comes to our mind is that of fish, ठीक है ना? अब fishes जो हैं वो आपको fresh water में भी मिलती हैं, sea water में भी मिलती हैं, right? Now और सारे के सारे aquatic animals के साथ ऐसा है, some of them are found in the fresh water, whereas some are found in the sea water also. Fish, turtle, alligators, crabs, ये सब हमें fresh water में मिलते हैं, right? Just like the water of lakes, ponds, rivers, whereas dolphin, shark, whale and octopus, they live in the sea water. ये sea water में ही हमें मिलते हैं. Clear? Now this was about aquatic animals. Now see, aquatic animals even have certain adaptive features because of which they are able to move freely in water, they are able to breathe. Ab fishes ke paas mein ya aur aquatic animals ke paas mein, some of them are having the lungs to breathe, whereas some of them are having the gills to breathe. Gills ek organ hai jisse fishes breathe karti hain, right? Whereas the ones who are not having the gills to breathe, they have to come up on the surface to breathe. Phir fishes ke paas kya hota hai? They have fins because of which wo move kar sakti hai. Theek hai? So these are some of the adaptive features which are found in the aquatic animals. Now we are moving ahead to the amphibians. Who are amphibians? The animals which can live on land as well as in water, right? Frogs, toads, salamanders, these are the examples of amphibians. अब इनके क्या adaptive features हैं? Now see, they lay the eggs in water. जबकि ये land पे भी रहते हैं और water में भी रहते हैं, but they always lay their eggs in water. They breathe through lungs. इनके पास gills नहीं है, ये पानी में भी रहते हैं, but still they breathe through the lungs on the land. Whereas जो इनकी स्किन होती है, फ्रॉग्स की जो स्किन होती है, ये अपनी स्किन, इनकी स्किन जो होती है बहुत मॉइस्ट होती है, बहुत चिपचिपी सी स्किन होती है फ्रॉग की, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दिस स्किन, थ्रू दिस स्किन दे आर एबल टू ब्रीथ व्हेन दे आर इन वाटर. देयर स्किन इट अब्जॉर्ब्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर. जब ये पानी में होते हैं तो इनकी स्किन जो है वो अब्जॉर्ब कर लेती है ऑक्सीजन को पानी के अंदर से. These animals, they have webbed feet that helps them to swim in water. ये land पे तो रह ही सकते हैं, पर पानी में जब ये हैं, when they are in the water, they use their webbed feet to swim in water. पानी में swim करने के लिए ये अपने webbed feet का use करते हैं. Okay? Then we are having arboreal animals. Arboreal animals means the animals which live on the trees, which spend most of their time on the trees. They are known as arboreal animals. जैसे common example इसका अगर हम लेते हैं तो it is monkeys, right? Monkeys, they are arboreal animals. Then
what do these animals have? Now see, they have to climb from one tree to another tree. So they should have strong arms and legs to jump and climb, right? So they have very strong arms and legs. और जो इनकी जो tail होती है, it is very long. Monkeys, their tail is long and they use this tail as another limb. कई बार hold करने के लिए, branches को hold करने के लिए ये अपनी इस tail का भी use करते हैं. Clear, children? Now, the last is aerial animals. Aerial means which fly, which can fly. Right? The animals that can fly, they are mainly birds, right? Birds, bat and some insects are examples of aerial animals. अब इनके क्या adaptive features होते हैं? इनके पास wings होती हैं because of which they are able to fly, right? इनकी जो bones होती हैं, वो बहुत हल्की होती हैं. बोन्स हल्की नहीं, इनकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, खाली होती हैं, जिसकी वजह से इनकी जो बॉडी का वेट होता है वो बहुत लाइट रहता है. देन दे आर बॉडीज कवर्ड विद अ फेदर्स. फेदर क्या करते हैं, इनकी बॉडी को वॉर्म्थ प्रोवाइड करते हैं. और टेल भी होती है बर्ड्स के पास. दिस टेल हेल्प्स द बर्ड टू चेंज इट्स डायरेक्शन. डायरेक्शन अगर चेंज करनी होती है फ्लाई करते टाइम बर्ड को, तो टेल उसमें हेल्प करती है. Clear, children? So this was about aerial animals. Now see, here are some things. Whales and dolphins, they have lungs to breathe fresh air on the water surface. Whales or dolphins ke paas baaki fishes ki tarah gills nahi hote, to unko water ke surface pe aana padta at regular intervals to take the fresh air. Now spider monkey, it has strongest tail in the animal kingdom. Elephant is the largest herbivorous animal. It can eat hundreds of kilograms of plant shoots in a day. This points also you should always go through whenever you read the chapter. Because out of these points also sometimes the fill in the blanks, they can be framed. Okay, in the test or in the exams. Clear, children? So today we'll discuss only up till here. In the next chapter, we'll move ahead with the adaptations for food habits. Okay, thank you.